जिला मुख्यालय में गुरुवार को मिनी कॉन्क्लेव का आयोजन विकास भवन में हुआ। मुख्य अतिथि सांसद अजय टम्टा ने कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इस अवसर पर उन्होंने पिथौरागढ़ जनपद में 161 इकाइयों द्वारा 143 करोड़ के MOU वितरित किए। इन योजनाओं से 673 स्थानीय व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। महाप्रबंधक जिला उद्योग केंद्र कविता भगत ने इन्वेस्टर समिट के उद्देश्यों पर प्रकाश डाला। जिलाधिकारी रीना जोशी ने धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि निवेशकों को हर संभव सहायता दी जाएगी। प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को पिथौरागढ़ जनपद की 22.54 करोड़ के विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। उन्होंने योजनाओं का वर्चुअल उद्घाटन करते हुए कहा कि भाजपा सरकार योजनाओं का केवल शिलान्यास ही नहीं करती बल्कि उन्हें धरातल पर भी उतारती है। जनपद में बाढ़ सुरक्षा, सड़क सुरक्षा, सिंचाई योजना के 15.72 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास करने के साथ ही मार्ग सुधारीकरण, चिकित्सकों के लिए ट्रांजिट हॉस्टल निर्माण की 6.82 करोड़ के कार्यों का लोकार्पण किया। भारत नेपाल सीमा को जोड़ने वाली पिथौरागढ़ झूलाघाट सड़क में यातायात को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए 1.59 करोड़ की धनराशि खर्च की जाएगी। रामलीला मैदान में चल रहे बाल मेले में तीसरे दिन स्कूली बच्चों की विविध प्रतियोगिताएं कराई गई। मेले में मेहंदी प्रतियोगिता, व्यंजन प्रतियोगिता और फैंसी ड्रेस जैसी प्रतियोगिताएं कराई गई। नगरपालिका अध्यक्ष राजेंद्र रावत ने स्कूली बच्चों का उत्साह वर्धन किया। इससे पूर्व आयोजित सांस्कृतिक संध्या में लोहाघाट से आए कलाकारों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत किए। हमारे शहर पिथौरागढ़ में अब हमें मिलेंगे हमारे मनपसंद स्मार्टफोन और इलेक्ट्रॉनिक होम अप्लायंसेस ऑनलाइन से सस्ते और इंटरेस्ट फ्री EMI के साथ। तो आज ही विजिट करें हमारा शोरूम सिमलगेर बाजार नियर SBI पिथौरागढ़ और आप 9084538958 पर संपर्क भी कर सकते हैं। एक पौधा धरती माँ के नाम कार्यक्रम के तहत कुमाऊं मंडल विकास निगम के प्रबंधक दिनेश गुरुरानी की पहल पर नवविवाहित अनुराग और गीतांजलि ने परिणय सूत्र में बंधने के बाद परिणय पौध लगाया। दोनों ने पौधे की सुरक्षा की शपथ ली। विवाह समारोह में शामिल तमाम लोगों ने दिनेश गुरुरानी की इस पहल की सराहना की। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को चंपावत जनपद की विभिन्न विकास योजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान गोरलचोड़ मैदान में विभागों की प्रदर्शनी लगाई गई। पुलिस विभाग ने स्टॉल लगाकर लोगों को साइबर ठगी, नशा उन्मूलन, बाल अपराध, बाल श्रम आदि के संबंध में विस्तार से जानकारी दी। लोगों को विभिन्न हेल्पलाइन नंबरों से अवगत कराने के साथ ही गौरा शक्ति ऐप के बारे में भी बताया गया। स्टॉल उप निरीक्षक मनीष खत्री, ललित पांडे की देखरेख में संचालित किया गया। कनाली छीनाव पुलिस ने नेपाल से लाई जा रही विदेशी सिगरेट के 440 डिब्बे के साथ एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। मुखबिर की सूचना पर कनाली छीना थाने के अपर उप निरीक्षक प्रेम सिंह खोलिया ने गोवत्सा तिराहे के पास इंद्र सिंह निवासी बजकोट को अवैध सिगरेट के साथ गिरफ्तार किया। बरामद अवैध सिगरेट और आरोपी को कस्टम विभाग के सुपुर्द कर दिया गया। शराब के नशे में मदहोश होकर रोडवेज की बस दौड़ाने वाले चालक को थल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। थाना अध्यक्ष थल योगेश कुमार ने बताया कि बुधवार को चेकिंग के दौरान बागेश्वर डिपो की बस के चालक राजेश टमटा को शराब के नशे में मदहोश होकर वाहन चलाते हुए पाया गया, जिस पर चालक को गिरफ्तार करने के साथ ही बस को सीज कर दिया गया। अब आप पिथौरागढ़ व उत्तराखंड की सभी खबरों को हिंदी, अंग्रेजी और नेपाली भाषा में भी पढ़ सकते हैं। अभी डाउनलोड करें न्यूज़ इंडो नेपाल ऐप।